महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट के सबसे बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं, जिनके पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज और 5 आईपीएल ट्रॉफीज भी है, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर और फिनिशर कहलाते हैं। उनके फैंस उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं, पर वहीं कुछ लोग उन्हें क्रेडिट स्टीलर बुलाते हैं। तो क्या एमएस धोनी सच में एक अच्छे कैप्टन थे, या फिर वे एक क्रेडिट स्टीलर थे जिन्होंने विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए अपने बाकी सभी टीममेट्स के एफर्ट्स का भी क्रेडिट ले लिया। In 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद एट दैट टाइम टीम इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि सौरव गांगुली वॉज नियर टू हिज रिटायरमेंट एंड नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा अभी तक फाइनल नहीं था। ऑल्दो राहुल द्राविड ने कैप्टनसी ले ली थी, बट उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऑल्सो देर वॉज नो गुड विकेट कीपर बैट्समैन इन द टीम, इवन बीसीसीआई ने राहुल द्राविड जैसे बैट्समैन से कीपिंग करवा ली थी। और उस टाइम के कोच ग्रेग चैपल और दादा के बीच में हुई कॉन्ट्रोवर्सी ने इंडियन टीम को 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया था। एंड उस वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को बहुत ज्यादा हेट फेस करनी पड़ी थी। बट इन 2004 टीम इंडिया में एंट्री होती है एमएस धोनी की एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, एंड बहुत ही कम टाइम में वे अपनी जगह टीम में पक्की कर लेते हैं। एंड देन एमएस धोनी की कीपिंग और बैटिंग में अच्छी फॉर्म की वजह से बीसीसीआई ने एमएस धोनी को ओडीआई और टी20आई कैप्टनसी देने का डिसीजन लिया, क्योंकि वे यंग थे और फ्यूचर में काफी अच्छे साबित हो सकते थे टीम के लिए। लेटर दैट ईयर इन 2007 इंडिया वॉन द फर्स्ट एवर टी20आई वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर जीत हासिल करी। द वर्ल्ड 2020 चैंपियंस इंडिया एंड महेंद्र सिंह धोनी गेट्स द अवार्ड। ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड लाइक आई मेंशन एट द स्टार्ट, a massive, massive success. India, the world TT champions. MS Dhoni के अंडर टीम इंडिया ने T20I वर्ल्ड कप जीता, जिस वजह से उनकी कैप्टनसी का बार रेज हो गया था। फाइनल मैच में गौतम गंभीर स्कोर 75 रन्स ऑन 54 बॉल्स, एंड इरफान पठान टुक 3 विकेट्स एंड गेव जस्ट 15 रन्स इन हिज स्पेल। एंड MS Dhoni ने लास्ट ओवर न्यूबी बॉलर जोगिंदर शर्मा को दिया, जो की बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन थी, बट इंडिया वो मैच और वर्ल्ड कप जीत गया। इमेजिन विनिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर गेटिंग नॉक्ड आउट ऑफ द 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड बीइंग कॉल्ड अ वीक टीम। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज कि टीम को लीड एक न्यू यंग कैप्टन कर रहा था। आफ्टर दिस अचीवमेंट लोग एमएस धोनी को क्रेडिट देने लगे थे, इवन गौतम गंभीर और इरफान पठान को भी अप्रिशिएट किया गया था, बट ओनली अ फ्यू परसेंट ऑफ पीपल डिड दिस। देन इन 2008 आईपीएल का फर्स्ट सीजन हुआ एंड एमएस धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स एंड ही लेड हिज टीम टू द फाइनल्स। ऑल्दो चेन्नई सुपर किंग्स वो फाइनल मैच राजस्थान से हार गई थी, बट दे डिड वेरी वेल। और उसी साल के मिड में उस टाइम के करंट टेस्ट कैप्टन अनिल कुंबले ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। देन बीसीसीआई ने एमएस धोनी को तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी दे दी। लेटर दैट ईयर इंडियन टीम एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर ऑस्ट्रेलिया में हुई सीबी सीरीज भी जीत गई। इन 2010 टीम इंडिया ने एशिया कप भी जीता एंड इन आईपीएल अंडर एमएस धोनी कैप्टनसी चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 का आईपीएल भी जीता। ऑल्सो इन 2011 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था, जिसका फाइनल मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला था। पहले बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया की साइड से जहीर खान ने अपने स्पेल की फर्स्ट 5 ओवर्स में 3 मेडन ओवर्स डाले और श्रीलंका को कंट्रोल में रखा, एंड श्रीलंकन टीम ने टीम इंडिया को 275 का टारगेट दिया। एंड इन रिप्लाई इंडियन टीम फॉट वेरी वेल। गौतम गंभीर के 97 रन्स, साथ में एमएस धोनी के 91 नॉट आउट रन्स और आइकॉनिक विनिंग सिक्स की वजह से टीम इंडिया लिफ्टेड द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। पूरा देश इस अचीवमेंट से खुश था, बट हियर कम्स अ प्रॉब्लम पार्ट। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच एमएस धोनी को मिला फॉर हिज 91 नॉट आउट स्कोर, जबकि गौतम गंभीर ने 97 रन की क्रूशियल इनिंग्स खेली, वो भी जब इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। बट स्टिल इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन मीडिया ने पूरा पर्सपेक्टिव बनाया और सभी ने यही कहा, वी वॉन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ एमएस धोनी। पूरी टीम को अप्रिशिएट करने की जगह एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग वन सिंगल मैन। नो डाउट उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, बट सब जगह लोग
यही कह रहे थे कि फाइनल में एमएस धोनी ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और वे ना होते तो टीम इंडिया कभी नहीं जीत पाता। सब जगह यही चल रहा था, इवन मीडिया वालों ने यह तक क्लेम कर दिया था दैट एमएस धोनी वाज अ फाइनल सेवियर फॉर टीम इंडिया इन 2011 वर्ल्ड कप, जो कि ऑब्वियसली पूरा सच नहीं है। एमएस धोनी ने कंट्रीब्यूट किया, बट ऑन द अदर हैंड सबने गौतम गंभीर की 97 वाली इनिंग्स को इग्नोर ही कर दिया, किसी ने अप्रिशिएशन नहीं दिया और एमएस धोनी को ही पूरी तरह से लाइमलाइट में रखा गया और वर्ल्ड कप फाइनल का हीरो घोषित कर दिया। देन इन 2012 एक इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हम वर्ल्ड कप धोनी की वजह से नहीं जीते थे, हम जीते थे क्योंकि हमारी टीम स्ट्रांग थी। इन 2013 इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है जिसमें भी एमएस धोनी कैप्टन थे एंड वे बन गए थे फर्स्ट कैप्टन टू विन ऑल थ्री मेजर आईसीसी ट्रॉफीज, विच इंक्लूडेड 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। एमएस धोनी को ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम कहा जाने लगा। ही वॉज अगेन इन लाइमलाइट बिकॉज ही मेड इम्पॉसिबल थिंग्स एक्चुअली पॉसिबल एंड एडेड अ ग्रेट वैल्यू टू इंडियन क्रिकेट, बट फिर से फैंस और मीडिया क्लेम करने लग गए कि ये सब ट्रॉफीज एमएस धोनी की वजह से आई थी। नो वन अप्रिशिएटेड अदर प्लेयर्स फॉर देयर एफर्ट्स। बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कई बार क्लेरिफाई किया है और करते आ भी रहे हैं कि टीम सभी प्लेयर्स के एफर्ट्स से जीतती है, इसलिए अकेले एमएस धोनी को सब चीजों को क्रेडिट देना गलत है। एंड फ्रॉम हियर द टर्म क्रेडिट स्टीलर वॉज बॉर्न। इवन एक रिसेंट इंटरव्यू में गौतम गंभीर सेड कि हमारी न्यूज मीडिया एक पीआर एजेंसी बन चुकी है जो आजकल बस तीन लोगों पर ही फोकस करती है, एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि रोटेशन पॉलिसी जो एमएस धोनी ने इंट्रोड्यूस करी थी इट वॉज कम्प्लीटली क्रैप बिकॉज इंडिया वॉजंट विनिंग मैचेस एट ऑल। ये जो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वॉज एब्सोल्यूट क्रैप, बेकार की चीज थी और मैं हमेशा ही कहता हूँ। देन सून एमएस धोनी के हेटर्स ने उन्हें क्रेडिट स्टीलर कहना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से धोनी को सब चीजों का क्रेडिट दिया जाता है जबकि वे डिजर्व तक नहीं करते हैं और वे बस दूसरे प्लेयर्स के एफर्ट्स को चुरा लेते हैं। वहीं पर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन टीम क्रिकेट में आगे बस एमएस धोनी की वजह से ही थी, बट फिर 2014 टी20 वर्ल्ड कप, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड 2016 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया क्यों नहीं जीता, वेयर वॉज इज मैजिक, जबकि 2016 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ था। बट ऑल्सो वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट आफ्टर एमएस धोनी इंडिया एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है एंड इवन एमएस धोनी की कैप्टनसी टेस्ट फॉर्मेट में डिसेंट ही थी एंड दैट्स व्हाई उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी जल्दी ड्रॉप कर दी थी। वेल, हमने सबको ओपिनियन देखा क्लेमिंग एमएस धोनी टू बी आर क्रेडिट स्टीलर, बट इज ही? क्योंकि किसी ने आज तक एमएस धोनी को खुद जबरदस्ती क्रेडिट छीनते हुए नहीं देखा है और ना ही किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू में ऐसा लगा कि एमएस धोनी किसी और की अचीवमेंट के लिए अपने आप को सारा क्रेडिट दे रहे हैं। बट मीडिया वालों ने और उनके फैंस ने ही एमएस धोनी को हर विन का क्रेडिट देना स्टार्ट किया। इनफैक्ट देयर वर मोमेंट्स जहां एमएस धोनी ने टीम एफर्ट को अप्रिशिएट करा, लाइक वन टाइम आफ्टर विनिंग 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जब उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, सो देयर ही मेंशन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर पार्टनरशिप एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियाज विक्ट्री। Gautam, they batted brilliantly. What was needed at that point of time was singles and doubles, you know, negotiate the fast bowling, don't give them even one more wicket because after that, you know, if you give them one wicket, there's plenty of pressure on the lower middle order. So I think they batted really well and after that, with the help of a bit of dew on the field, I think we were able to put pressure on the spinners. और एक बार जब fans MS Dhoni से photograph मांग रहे थे, तो जब उनमें से कुछ fans ने कहा कि you made us win all three cups, तो MS Dhoni ने बहुत humble way में reply किया, it was a whole team effort. इनफैक्ट एमएस धोनी खुद कहते हैं कि इट्स अनफेयर दैट यू प्ले एज अ टीम एंड कैप्टन कलेक्ट द ट्रॉफी। इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ ट्रेंड, यू कम अप, यू टेक द ट्रॉफी एंड यू ऑलमोस्ट जस्ट क्विकली गिव इट अवे एंड वॉक क्वाइटली इनटू द शैडो। व्हाई इज इट? नो, बट डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर दैट यू प्ले अ टीम स्पोर्ट वेयर द कैप्टन गोज एंड रिसीव्स अ ट्रॉफी? इज यू नो इट्स और शायद इसी वजह से अब तक जितनी भी ट्रॉफीज एमएस धोनी के अंडर टीम इंडिया ने जीती है उसमें हर बार सेलिब्रेशन के टाइम पर एमएस धोनी ट्रॉफी कलेक्ट करके किसी यंगस्टर को पकड़ा देते थे और खुद साइड में जाके सेलिब्रेट करते थे। सो एट द एंड ऑफ द डे एमएस धोनी क्रेडिट स्टीलर हो या ना हो, बट ये फैक्ट कोई नहीं छुपा सकता कि वे एक अच्छे कैप्टन के साथ एक अच्छे लीडर भी थे और उनकी कैप्टनसी छोड़ने के बाद से टीम इंडिया ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है एंड दिस कर्स स्टिल कंटिन्यूज। बट आपको क्या लगता है, क्या इस साल इंडिया में होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप को टीम इंडिया रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।